पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में कई ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें कुकिंग का बहुत शौक है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसे कई दिलवाले शोबिज़ शोहर भी हैं जो खुद अपनी बेगम को खाने बनाकर खिलाते हैं। अदाकार अफजल खान अलमारूफ जान रैम्बो ने शुरू से ही अपनी लाडली बेगम साहिबा को पलकों पर बिठा रखा है। वैसे तो साहिबा भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत में शौहर कुछ ऐसे दीवाने हैं कि कभी कभी तो नाश्ता भी खुद ही बनाते हैं। दावतों में भी ज़्यादातर वही खाना बनाते हैं, और अगर खाना ना भी बनाएं तो बेगम की मदद ज़रूर करते हैं ताकि साहिबा पर कोई बोझ ना पड़े। अदाकारा सादिया इमाम के शौहर चूँकि शेफ़ भी हैं, इसलिए जब भी सादिया इनके पास जर्मनी जाती हैं तो वो अपने हाथों से खाने बनाकर इनको खिलाते हैं। वो पाकिस्तान भी आएँ तो नाश्ते और खाने खुद ही बनाते हैं। सादिया को भी अपने शौहर के हाथ के खाने बहुत पसंद हैं क्योंकि वो कॉन्टीनेंटल खानों के भी एक्सपर्ट हैं। यासिर हुसैन और इकरा अज़ीज़ की शादी के बाद अक्सर इनकी सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट नज़र आती हैं जो इनकी मोहब्बत की कहानियाँ सुनाती हैं। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में यासिर ने बताया कि इकरा को बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं आती और वह अक्सर इन्हें कुकिंग सिखाते हैं और इन्हें अच्छे अच्छे खाने पकाकर भी खिलाते हैं। यासिर का कहना है कि इकरा सिर्फ अंडे पकाने की ही माहिर है। अदाकार फैसल कुरैशी भी खाना बनाने के काफ़ी शौकीन हैं, और जब इनकी बेगम छोटे बच्चे की देखभाल में मसरूफ़ होती हैं तो फैसल इनके लिए घर के सारे काम खुशी खुशी करते हैं। ना सिर्फ खाना बनाते हैं बल्कि इनके पसंद की कई और चीज़ें भी तैयार करते हैं। कहा जाता है कि फैसल कुरैशी बेहतरीन चिकन कढ़ाई बनाते हैं और फैसल की बेगम इनकी कुकिंग स्किल से खासी इंस्पायर्ड हैं। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।